एल्किन का नामांकरण, एल्किन का नॉमनक्लेचर, तो नॉमनक्लेचर हम पहले पढ़ चुके हैं, उन्हीं को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। इसमें इसमें होगा क्या कि अभी तक हम लोगों ने जो नॉमनक्लेचर पढ़ा उसमें हमने स्टेट चेन देखी थी, फिर हमने ब्रांच के बारे में बात करी थी, ठीक है, और ब्रांच में भी ब्रांच दो भी हो सकती, दो से ज़्यादा भी हो सकती, इतनी ब्रांचों के बारे में बात करें। यहाँ पर क्या होगा कि जो कंपाउंड्स होंगे उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, ये इतना सा चेंज है। अब हम इसके कुछ रूल की तरफ चलते हैं, कुछ एग्जांपल भी मैं साथ साथ में लेके चल रहा हूँ। पहला एग्जांपल लिख रहा हूँ तो उसको समझते हैं, देखो क्या है। मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2, एक ऐसा कंपाउंड बॉन्ड पे लिखा हुआ है। अब हम एक लाइन पढ़ते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। हम पहली पढ़ते हैं कि मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना, चूज मेन कार्बन चेन, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना। तो पहला हमारा रूल ये है कि मेन कार्बन चेन यहां पर क्या होगी। हम एक लाइन पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा जब नंबरिंग करते हैं तो लॉन्गेस्ट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कार्बन आना चाहिए, ठीक है ना। चूज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करें, देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। यूं बात करें तो 1 2 3 4 5 ही होगा। तो अभी तक हम जो पढ़ता है उसमें तो होना चाहिए कि 6 कार्बन श्रृंखला को हम चुन लें, जहां नंबर ऑफ कार्बन कितने हो 6 है उसको चूज कर लें। पर यहां पर ऐसा नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि जब किसी भी चेन के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में नंबरिंग हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। नंबरिंग आ जाएगी डबल और ट्रिपल बॉन्ड की तरफ चली जाएगी। तुम दो तरीके की नंबरिंग कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 और 6, या तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकती है कि हमने एक नंबर इसको दे दिया, ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा और पांच। तो हमारी जो सर्कल वाली जो नंबरिंग है वो हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है ना। तो बात तो वही है, चूज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है, पर नंबरिंग कहां से करना है, जहां से डबल और ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम में पास आ जाए और सिस्टम के अंदर रहे। ऐसी स्थिति में इसका नाम क्या होगा, क्या नाम होगा इसका, देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 के लिए तो बड़ा आ जाता है पेन, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे आपको दो कार्बन दिखाई दे, फिर सेकंड पोजीशन पे दो कार्बन, तो इसके आगे आ जाएगा 2-ethyl, ठीक, यहां तक क्लियर है। अब पहले कार्बन पर क्या डबल बॉन्ड है, तो 1 डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, ई, तो डबल बॉन्ड यदि होगा तो वर्ड आएगा इन, ट्रिपल बॉन्ड होने पर आई वर्ड, ठीक है। तो हमारा इसका नाम क्या हो गया, 2-ethyl-1-ene, इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। चलो आगे चलते नेक्स्ट। इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH, सिंपल सा है। और इसी तरीका एक और ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, सेकंड वाले क्या नाम होगा, क्या नाम होगा, नंबर ऑफ कार्बन ब्यूट टू इन, या फिर टू ब्यूटी। अगले का नाम ब्यूट टू आइन, ठीक है, ये टू ब्यूटाइन, इस तरीके से इसका नाम लिख सकते। चलो आगे चलते, नेक्स्ट है, अगला एग्जाम्पल है CH2 double bond CH single bond CH double bond CH।
बोलो नाम इसका। क्या नाम है? ब्यूट 1 3। क्यों? पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, दूसरा थोड़ी काउंटिंग में आएगा, पहले आ गया ना, फिर तीसरा आ गया तो चौथा थोड़ी आएगा। तो ब्यूट 1 3 डाइईन। चलो आगे, नेक्स्ट सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी। क्या नाम है? ब्यूट 1 3 डाइईन। वो डाइईन है, ये डाइईन सीधा बोलने में आता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नाम बोलो। हेक्स। आगे पहले डबल बॉन्ड की बात करेंगे, पहले ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे। पहले इन आएगा कि पहले आइन आएगा? क्यों आएगा इन? अल्फाबेटिकली में पहले कौन आता है? ई। फिर कौन आएगा? वाई। इसलिए होगा। तो एक्स क्या लिखेंगे? थ्री इन, ठीक है, वन आई। सेवन का नाम लिख के देखो क्या होगा। कौन सी नंबरिंग सही है? ऊपर वाली कि नीचे वाली? ऊपर वाली। कंफर्म? पक्का? करेक्ट। तो ये जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ में आ जाते हैं और उनकी पोजीशन भी यदि फिक्स्ड या सेम रहती है, तो ऐसी कंडीशन में हम ट्रिपल बॉन्ड के प्लेस पर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, इलेवेंथ में लिखी हुई है लाइन। ठीक है, इट्स नॉट प्रेफरेंस इन ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है इन कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। अब ऐसी स्थिति में इसका नाम जो होगा वो लिख दो। एक्स पहले इन आएगा, एक्स वन इन फाइव आइन। ठीक है, एक्स वन इन फाइव आइन। चलो आगे चलो, नेक्स्ट एट।
इसका नाम लिखो। क्या नाम होगा इसका जल्दी लिखो। कैसे भूल जाओगे? ठीक है, ये इस तरीके से इनके नॉमन क्लेचर बनते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े। पहला रूल्स है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करना, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना। लंबी कार्बन श्रृंखला को चूज करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाना चाहिए। ठीक है, इट्स अ काउंटेबल डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरी बात, इसके अंदर हम लोगों ने ये देखी कि जहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड यदि एक साथ में आ जाते हैं तो हम प्रेफरेंस किसको दे देंगे? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे देते हैं इन कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे ब्रांच को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। ठीक है ना, कोई रिंग भी आ गया तो उसको प्रेफरेंस नहीं देंगे, तो प्रेफरेंस किसके पास जाएगा? डबल और ट्रिपल बॉन्ड के पास जाएगा। तो ये तो होता है इसका नॉमन क्लेचर। अब चलते हैं हम इसको बनाने की विधि।